छाया हुआ है। शहर अपने लोगों से पहचाने जाते हैं। एक आध आदमी के अच्छे बुरे हो जाने से वो परंपरा नहीं पहचानी जाती, वो लंबी फहरिश निकलती है। राज इंदौरी के शहर की जिम्मेदारी है कि राज इंदौरी साहब ने साहित्य की, अदब की, शेर कहने की जो एक परंपरा यहाँ बोई है, उसे अगली नस्लों के लड़के लड़कियां तमाम लोग जिंदा रखें, लगातार कहते रहे। उत्तर प्रदेश में हमसा नदी के किनारे एक शहर है जहां राहुल संकृत्यायन जैसा महान यात्रा विशारद पैदा हुआ, जहां खड़ी बोली का पहला बड़ा महाकवि हरिओत पैदा हुए, जहां मौलाना शिबली नुमानी जैसा बड़ा किरदार पैदा हुआ, प्रोफेसर खलील रहमान आदमी जैसी बड़ी शख्सियत पैदा हुई, और जहां मेरा और आपका महबूब शायर कैफी आदमी पैदा हुआ। ये दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया के विमर्श में उस आजमगढ़ का नाम दो चार लफंगों अबू सलेम जैसे भाइयों लोगों के नाम पर जोड़ा गया। आजमगढ़ की बात करिए तो लोग बाग अद बदकर कुछ ऐसे नाम लिया थे जो हिंदुस्तान की पहचान नहीं है। मैं उस आजमगढ़ से बंबई का सफर वाया सूरत करने वाले अपने एक बेहद प्यारे दोस्त के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, उसके खुद के शेर के साथ कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। आप समझ गए नाम क्या है, उसके शेर पर दाद दीजिए, वो खुद हाजिर होगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। एक बार शकील आजमी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए।